अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि अफिलिएट प्रोग्राम से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसका अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है और उनकी प्रोडक्ट जो है उसको जो है सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे कैसे शेयर करके जो है कमीशन कमाया जा सकता है, तो आज की जो वीडियो जो है अमेज़न एसोसिएट यानी अमेज़ॉन का जो अफिलिएट प्रोग्राम है उसके हवाले से है। आज की इस वीडियो में आपको हम जो है पूरी तफसील से बताएंगे कि अमेज़ॉन एसोसिएट, अमेज़ॉन अफिलिएट जो है इसको अमेज़ॉन ने एसोसिएट का नाम दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अमेज़ॉन एसोसिएट भी कह रहे हैं और अफिलिएट भी कह रहे हैं। अफिलिएट प्रोग्राम जो है इसको अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन एसोसिएट का नाम दिया है। अमेज़ॉन एसोसिएट के नाम से जो है इसने वेबसाइट बनाई है। तो अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिस पे जो है लाखों की तादाद में जो है प्रोडक्ट होती हैं और इससे बहुत सारे लोग अटैच हैं, बहुत सारे लोग इससे जो है कमा रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम के ज़रिए भी और बतौर सेलर भी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अकाउंट इसका कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे शेयर किया जाता है और कैसे इससे कमीशन कमाया जाता है और प्रॉपर इनकम का ज़रिया कैसे बनाया जा सकता है, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जो है आपके पास अमेज़ॉन एसोसिएट यानी अमेज़ॉन अफिलिएट का जो प्रोग्राम है इसका अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपने अमेज़ॉन अफिलिएट का जो है अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पर जॉइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करके जो है अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से जो है अगर आपको समझ ना आए तो इस हवाले से वीडियो पहले से हम एक बना चुके हैं, उसको देखिए और कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसको अकाउंट को क्रिएट कीजिए। तो हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा और लॉगिन हो जाऊँगा। तो जैसे ही हम अपने अकाउंट में साइन इन हुए हैं तो हमारा जो अमेज़ॉन एसोसिएट का डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और डैशबोर्ड में कुछ ज़रूरी बातें जो है पहले आपको बताता चलूँ फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये हम होम पेज पे हैं। होम पेज पे जहाँ पे जो कुछ डिटेल बताई गई यहाँ से आप कोई भी जो है चीज़ सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ब्राउज फॉर प्रोडक्ट, क्विक लिंक सर्च फॉर प्रोडक्ट, जहाँ पर आपकी जी डिटेल होगी आपके, अगर आपने कोई जो है कमीशन वगैरह जो अर्न किया है, कितनी क्लिक हुई हैं, कितना जो है आपको प्रोडक्ट वगैरह जो सेल हुई है, यहाँ पे उसकी जो टोटल डिटेल वगैरह जो आ जाएगी। नीचे जो है कुछ रिकमेंडेड फॉर यू, कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट हैं जो अमेज़ॉन ने जो आपके लिए रखी हैं कि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, इनको उठाइए और मार्केट में सेल कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ही आप माउस को इसके ऊपर ले कर आएंगे गेट लिंक का ऑप्शन होता है कि इस पे क्लिक करके जो है इसका आप लिंक हासिल कर सकते हैं। इस लिंक को जो है आप अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर मेन्यू में। मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट लिंक्स। प्रोडक्ट लिंक, बैनर, नेटिव शॉपिंग एड्स, मोबाइल पॉप ओवर, लिंक टू एनी पेज। तो ये जो है बहुत सारी जो है तरीक़ाकार हैं, बहुत सारे पेज हैं, लिंक है जो अमेज़ॉन ने दिए हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे जो है इसके लिंक डाल सकते हैं, पेज बना सकते हैं। ये जो पहला लिंक वाला ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक करके जो है आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं, उस लिंक को फिर जो है आप सोशल मीडिया पर किसी भी अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई वेबसाइट या ब्लॉग है तो उसकी किसी पोस्ट वगैरह में जो है उसमें आप इसके लिंक डाल सकते हैं। नीचे बैनर का ऑप्शन है। बैनर का ऑप्शन जो है ये भी वेबसाइट के लिए ही होता है। वेबसाइट के जो है ऊपर टॉप पे, नीचे जो है फूटर पे, साइड पे जो साइड बार होता है वहाँ पे बैनर लगाया जा सकता है और जो है होम पेज के भी मुख्तलिफ जगह होती हैं जहाँ पे बैनर लगाया जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक बैनर दिखाता हूँ कि ये बैनर किस तरह शो होता है, क्या होता है। ये देखें, ये एक बैनर है गो टू ऑनलाइन का, ये बैनर लगा हुआ है हमारी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे करके, तो इसको बैनर कहते हैं। तो बैनर के मुख्तलिफ साइज होते हैं, छोटे, बड़े, लंबे, चौड़े वगैरह वगैरह।
तो इससे अगला ऑप्शन जो है वो प्रमोशन के हवाले से है, फीचर प्रमोशन, अमेजोन बाउंटी प्रोग्राम, अमेजोन प्रोमो कोड। ये फीचर प्रोग्राम है, इसमें जो है कुछ स्पेशल डे होते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, ईद वगैरह हो गई, और ब्लैक फ्राइडे वगैरह हो गया, इस तरह के जो दिन होते हैं वहाँ पे जो है जो ये कुछ प्रमोशन वगैरह लगाते हैं। तो ये वो वाली प्रोडक्ट होती हैं जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रमोशन के हवाले से जो प्रोडक्ट हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आगे टूल है, उसमें भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लिंक पे काम करते हैं, यहाँ से लिंक उठाते हैं अमेज़ॉन के किसी प्रोडक्ट का, उसको हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं उसके लिंक जो है ऑटोमेटिकली नीचे वो प्रोडक्ट शो हो गई हैं, और साथ ही गेट लिंक का ऑप्शन भी आ रहा है, जहाँ से आप किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, मसलन ब्यूटी, हेल्थ, फैशन, क्लॉथ, शूज़ वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं यहाँ से, उसके हवाले से जो है आप प्रोडक्ट को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नीचे ये कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट वो भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं नीचे, ये जो लिंक टू बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, यहाँ से जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं इनमें से हम कोई प्रोडक्ट उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक वाईफाई राउटर है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और इसको जो है अपनी फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो यहाँ से आप नीचे जो ये जो टाइटल दिया हो गया, इस पे राइट क्लिक करके ओपन टू विंडो न्यू लिंक, लिंक इन न्यू विंडो में नए पेज पे ओपन करके भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट की सारी डिटेल वगैरह जो है, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो देख सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप यहीं से अगर लिंक लेना चाहते हैं तो गेट लिंक पे क्लिक करेंगे हम। ये है वो वाली प्रोडक्ट, उसका इमेज, उसका शॉर्ट टाइटल, और नीचे उसका जो है ये रेट वगैरह है। तो यहाँ पे लिंक के हवाले से तीन किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट ओनली, इमेज ओनली। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को शो करना चाहते हैं, पिक्चर वगैरह को शो नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप सिर्फ इमेज को चाहते हैं कि आप सिर्फ इमेज शो हो, बाकी टेक्स्ट वगैरह शो ना हो साथ में, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और जहाँ पे ये मज़ीद वो कह रहा है ओपन लिंक इन न्यू विंडो, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आपकी इस पोस्ट पे, प्रोडक्ट पे जो है कोई क्लिक करेगा तो नई विंडो ओपन होगी, साफ जिस वेबसाइट पे वो है विजिटर उस पे नहीं रहेगा, नई वेबसाइट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह भी चेंज किए जा सकते हैं, शो बॉर्डर, शो नॉट बॉर्डर, इस तरह करके ये भी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है पहला, टेक्स्ट एंड इमेज वाला, यहाँ पे ये ज़्यादातर वेबसाइट के इस्तेमाल के लिए है, वेबसाइट या ब्लॉग के किसी पेज में या पोस्ट में आप इसको जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, फेसबुक पे, तो हम इससे अगले ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करने के बाद जहाँ नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, HTML, स्टैंडर्ड लिंक और शॉर्ट लिंक। HTML वाले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, ये भी ज़्यादातर वेबसाइट वगैरह पे ही इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिंक या शॉर्ट लिंक में से एक उठा लेंगे, हम यहाँ पे से शॉर्ट लिंक उठाते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और जो है हम यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट अपने फेसबुक में चले जाएंगे। फेसबुक में जो है बाकायदा आप जो है एफिलिएट के हवाले से जो है एक पेज भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, या दूसरों के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने जो है ये अफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया की बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप जो है अपने ये अफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने अकाउंट में आए हैं तो यहाँ पे ऊपर व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे जो है न्यू पोस्ट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। फेसबुक जो है लिंक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिटेल है वगैरह वगैरह वो सबको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ही शो करेगा तो यहाँ से हम लिंक को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के हवाले से कुछ लिख देंगे, बुई
दिस चीप प्रोडक्ट, ये हमारी ये देखें, ये हमारी प्रोडक्ट जो है अपलोड हो गई है और सोशल मीडिया पे शेयर हो गई है। अब इसको आप जहाँ चाहें, जहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करके दूसरे ग्रुपों में और पेजेस में वगैरह में और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन के एसोसिएट की वेबसाइट पे आएगा, वहाँ से वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करेगा जो है परचेज़ करेगा, इस प्रोडक्ट को परचेज़ करे या भी किसी और प्रोडक्ट को परचेज़ करे, कोई भी परचेज़ करे, तो उसका जो कमीशन होगा वो कमीशन जो है आपको मिल जाएगा, आपके एसोसिएट अकाउंट में जो है वो जमा हो जाएगा। तो ये था सोशल मीडिया के ज़रिए लिंक को शेयर करने का तरीका, और इससे अगला जो है फिर आप इसको ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट वगैरह, सोशल मीडिया के बहुत सारे जो हैं वो वेबसाइट हैं अब तो, और शॉपिंग के हवाले से काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, रिव्यू वेबसाइट हैं, और जिस तरीके से भी आप जो है शेयर कर सकें सोशल मीडिया पे, आपके पास सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंबर होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, आपके अकाउंट एक्टिव होने चाहिए, उन पे व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना आते हों, तो फिर फ़ायदा होता है। अगर आपके अकाउंट सोशल एक्टिव नहीं है तो शेयर करने से कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इससे अगला जो बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ अब, वो ये है कि आप के पास अपनी कोई जो है ब्लॉग या वेबसाइट होनी चाहिए। आप अपनी कोई वेबसाइट बना लें या कोई ब्लॉग बना लें, उस ब्लॉग पे ऊपर जो है फिर आप अपने इन अकाउंट लिंक को शेयर करें बकायदा, उस से जो है शेयर करना आसान भी होता है। जैसे ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट पड़ी है, अब इस प्रोडक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसके व्यू पे जाऊँगा, तो यहाँ पे नीचे जो है, जहाँ जो प्रोडक्ट के नीचे सोशल शेयर के ऑप्शन है, अब इसको मैं बड़ी आसानी के साथ जहाँ जहाँ चाहूँ शेयर कर सकता हूँ। मुझे एक बार बार लिंक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की किसी जगह पे ज़रूरत नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, पिंट्रेस्ट, लिंक्डइन, ईमेल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पर यहाँ से मैं डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट जो है यहाँ के यहाँ रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना कोई ब्लॉग बनाएं या फिर आप कोई अपना जो है वेबसाइट बनाएं, और उस पे जो है फिर बकायदा आप अफिलिएट प्रोडक्ट जो है उनको शेयर करें, और ये एक बेहतरीन तरीका है। तो ये एक वेबसाइट है marketmandi.com, इस पे आप जो है फ्री में अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी marketmandi.com, इसके होम पेज पे आप आएंगे, ऊपर मेन्यू में सेलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बतौर सेलर वेंडर रजिस्टर हो जाएंगे, और अपना स्टोर जो है अच्छा सा एक नाम स्टोर का दे के, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डिटेल आपसे मांगी जाएंगी वो दे के आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो है फिर आप यहाँ पे अपना एक स्टोर बनाएं, उस पर जो है आप अपनी कुछ जो है मार्केट से उठाकर चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, और अफिलिएट चीज़ें प्रोडक्ट जो हैं अमेज़ॉन की हो गई, ईबे की हो गई, उसकी गो टू ऑनलाइन है पाकिस्तान में, दराज है, और इंडिया में काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, तो उनकी जो है आप अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे जो है आसानी से लिस्ट कर दें और इनको फिर शेयर करें, तो यहाँ पे आपका एक बाकायदा जो है वेबसाइट बन जाएगी फ्री में, बजाय इसके कि आप डोमेन ख़रीदें, होस्टिंग ख़रीदें, फिर वेबसाइट के लिए अच्छी सी थीम चूज़ करें, फिर जो है उसको मैनेज करें वगैरह वगैरह। तो बेहतर यह है कि आप इस वेबसाइट पे आएं marketmandi.com, सेलर रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, और यहाँ से अपना एक स्टोर बनाएं, उस स्टोर में जो है फिर आप तो यहाँ ऊपर मेन्यू में प्रोडक्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो हम यहाँ चले जाते हैं दोबारा से अपने जो है अफिलिएट अकाउंट अमेज़ॉन में, और यहाँ से हम कोई भी सबसे पहले तो है
जहाँ से हम कोई लिंक लेते हैं किसी प्रोडक्ट का, ये कैटेगरी जैसे हमने सिलेक्ट की तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग में आ रही हैं वो शो हो गई हैं। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट को उठाएं जिसकी कीमत $10 से ऊपर हो, उस पर कमीशन वगैरह अच्छा होता है। हम यहाँ से ये एक लेडीज़ प्रोडक्ट है इसको उठा लेते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट लिंक अगर उठाना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्लिक करके उठा लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट को जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें अफिलिएट लिंक के साथ। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो है इस प्रोडक्ट को एक न्यू टैब में, नई विंडो में खोल लेंगे। ये प्रोडक्ट देखें न्यू विंडो में खुल गई है, इसकी सारी डिटेल, इसके कलर वगैरह, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे शो हो गया है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसका टाइटल यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले हम इसका यहाँ से टाइटल उठाते हैं, सिलेक्ट कॉपी, और हम यहाँ पे अपने स्टोर पे चले जाएंगे, अपनी वेबसाइट पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम इसके टाइटल को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे। फिर अब दोबारा से हम उसी प्रोडक्ट पेज पे आते हैं, यहाँ से हम अब इसका उठाएंगे डिस्क्रिप्शन। इस प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, ये वाली भी इसकी डिस्क्रिप्शन ही है, इसको भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी को मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखता हूँ अगर हैं तो। ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये देख, हम यहाँ से इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसको सारी को कॉपी करते हैं तस्वीरों समेत, ये देखें, राइट क्लिक कॉपी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है इस पर हम यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया, इससे नीचे चले जाएंगे, नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे तीन चार किस्म की प्रोडक्ट लिखी हुई हैं, प्रोडक्ट ग्रुप्ड प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, अफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम जो है अफिलिएट प्रोडक्ट जहाँ पे डालना चाहते हैं, अपना स्टोर बनाना चाहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का, तो हम यहाँ पे जो है अफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट यूआरएल, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का यूआरएल देंगे। तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे। अमेज़ॉन जो है ये इसका बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इस पर जो है ये उसी वेबसाइट पेज के ऊपर ही, जिस पेज पे आपने प्रोडक्ट को ओपन हुआ है वहाँ पे ही ऑप्शन देता है, ऊपर में ऊपर जाके टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट है प्लस इमेज, जहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करके इसका जो है अफिलिएट यूआरएल, हम अकाउंट में लॉगिन है इसलिए हम यहाँ पे अफिलिएट यूआरएल ले सकते हैं। अगर अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन नहीं है, आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके जो है फिर हम प्रोडक्ट की जो है लिंक जो है जनरेट भी कर सकते हैं दोबारा से। तो यहाँ से भी हम इसका लिंक उठा सकते हैं प्रोडक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे गेट लिंक पे, टेक्स्ट ओनली शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक ये वाला लिंक जहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इसका, ये अफिलिएट लिंक है, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ये भी तरीका है, और पीछे जो बताया गया तरीका वो भी, दो तरीके, दोनों तरीके से आप प्रोडक्ट का लिंक ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको आके पेस्ट कर देंगे और नीचे वही प्रोडक्ट या वही नो लिख देते हैं, और इसके ऊपर आगे फिर तीसरे नंबर पर ऑप्शन है जी प्रोडक्ट की जो है प्राइस हमने यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर रुपीज़ में है, और यहाँ नीचे डॉलर वाला ऑप्शन भी दे रहा है कि आप डॉलर में डालना चाहते हैं इसकी प्राइस रुपीज़ में। तो हम यहाँ पे, ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है डॉलर में शो हो रही है, तो हम यहाँ पे इसका डॉलर के हिसाब से ही डाल देते हैं। इस प्रोडक्ट की वो कीमत शो कर रहा है $16.99, यानी $16.99 इसकी वो शो कर रहा है प्राइस। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है छोटी सी, ये उठा लें, ये वाली इसको कॉपी करें और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दें। ये हो गया। इससे आगे जो है हम यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे अपनी, यहाँ पे कैटेगरी के किस कैटेगरी से रिलेटेड हमारी जो ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये विमेन कैटेगरी से रिलेटेड है तो हम विमेन कैटेगरी में उठाते हैं, विमेन एक्सेसरीज, विमेन शूज़, विमेन क्लॉथिंग, ड्रेस, वुमेन ड्रेस है तो हम यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन आ गया जी फिर इसका प्रोडक्ट इमेज का। अब इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पिक्चर हमारी कॉपी हो गई, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और दोबारा से जाएंगे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पेज पे, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डाउनलोड पे जाते हैं। यहाँ से हम दोनों प्रोडक्ट को ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ इमेज के हवाले से जो है एक बार दोबारा से बताता चलूँ, अगर इमेज आसानी से कॉपी नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप दोबारा लिंक पे आ जाएं, प्रोडक्ट लिंक पे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब में ओपन कर लें इसको, और यहाँ से फिर इसको है राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, इसको जो है कॉपी कर लें यहाँ से। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ओके हो गई है बिल्कुल, सारी डिटेल हमने उसकी ऐड कर दी है एफिलिएट प्रोडक्ट की, और इसको हम जो है अब पब्लिश करेंगे, पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज वगैरह अपलोड हो गए हैं सब कुछ। तो क्लिक टू पब्लिश, यहाँ से हम जो है इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये थी अमेज़ॉन एसोसिएट के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात कि कैसे आप अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट बना सकते हैं और फिर उस अकाउंट से जो है प्रोडक्ट को उठा के कैसे आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और कैसे आप अपनी एक वेबसाइट बना के बाकायदा उससे जो है शेयर कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोग्राम को किसी को भी ज्वाइन करने के लिए बेहतरीन तरीका जो है मेरे ख्याल में वो वेबसाइट वाला ही है कि अपना स्टोर बनाएं या अपनी वेबसाइट बनाएं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट बाकायदा डोमेन ख़रीदें, परचेज़ करें, वेब होस्टिंग वगैरह लें। आप बेहतर है कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट जो आपको स्टोर बनाने का ऑप्शन देती है, जिसमें शॉपिफाई है और ये मार्केट मंडी डॉट कॉम है और बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट हैं जो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप अपना स्टोर फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे जो है अपने आप फ्री में स्टोर क्रिएट करें। स्टोर क्रिएट करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करें, अफिलिएट प्रोडक्ट को, सिंपल प्रोडक्ट को जो को भी आप यहाँ से पे जो है सेल कर सकते हैं बाकायदा, यानी कि अपना आप स्टोर बना सकते हैं और अफिलिएट साथ साथ अफिलिएट वेबसाइट जो हैं उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद इस तरह की जो है वीडियो आने वाली इनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।